विगत दुई दशंधि मध्य बैंकिंग क्षेत्र में 10,000 अधिक प्रोफेशनल या पुणी सरकारी पीएसयू बैंक मान आज मिकेन ओडिशा आम सह अच्छा एमती जन उद्योगी जिकि बैंकिंग कोचिंग क्षेत्र में राज्य याजर एक स्वतंत्र ब्रांड भैल्यू आसतु भेटा आरसीबी एकाडेमी मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीनिवास पट्टनायक श्रीनिवास पट्टनायक बैंकिंग सर्विस कोचिंग क्षेत्र में राज्य में सबुठ ट्रस्टेड नेम भुवनेश्वर बेस्ड आरसीबी रीजनल कॉलेज ऑफ बैंकिंग से मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीनिवास को खासियत बैंकिंग सर्विस क्षेत्र में सबुठ बेसी सक्सेसफुल आस्पिरेंट या क्रेडिट जाए आरसीबी को 1997 मात्र 4 पिला श्रीनिवास आचार्य बिहार में आरंभ करते आरसीबी श्रीनिवास को कोचिंग स्टाइल और सब्जेक्ट उपर डेप्थ और थरो प्रैक्टिस मॉड्यूल खूब कम दिन में पिला आदृत है सही वर्ष आरसीबी छात्र छात्री संख्या बढ़ला प्राय 80 को यह 1997 ही रहा श्रीनिवास गेम चेंजिंग ईयर सही वर्ष आसोसिएट बैंक आरसीबी कोचिंग नहीं 22 जन पिला रिटेन सिलेक्शन हुई और फाइनल इंटरव्यू क्लीयर कर जब पाती 21 जन आरसीबी बनी जाए बैंकिंग कोचिंग क्षेत्र में राज्य में सबुठ ट्रस्टेड नेम क्वालिटी टीचिंग मेथड बेस्ट फैकल्टीज ऑनलाइन लाइव फैसिलिटी हो रिटर्न एग्जाम रिजनिंग सह इंटरव्यू पाई मॉक टेस्ट आरसीबी रो यूएसपी एहार यूनिक कोचिंग मॉड्यूल जहां विगत 10 वर्ष रे श्रीनिवास को लीडरशिप रे आरसीबी तैयारी करिछि 10,000 सक्सेसफुल आस्पिरेंट जो माने कि आज दिन में विभिन्न बैंक रे विभिन्न क्षेत्र में उच्च पदपदवी रे काम करुछंती बैंकिंग कोचिंग और एही सर्विसेज क्षेत्र में नॉलेज पाई रिजर्व बैंक सह विभिन्न बैंक रो इन हाउस ट्रेनिंग परिचालना करुछंती श्रीनिवास तबे निजकु एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हिसाब से कम श्रीनिवास सर भावे परिचय को नहीं से गर्वित मन करती श्रीनिवास कोचिंग बिजनेस कम पिला सक्सेस आरसीबी प्रथम और मूल उद्देश्य बोली से कहती श्रीनिवास बाबू वेलकम टू मेक इन ओडिशा प्राय 10,000 पिला कोचिंग थ्रु से बैंक रे जॉब पाइले मैंने जे आपर आरसीबी इनिट्यूट पाठ पढ़ते बैंकिंग कोचिंग नहीं कोचिंग इनिट्यूट को मैंने इनिट्यूट चलने आईडिया आप मन कहीं आसला आमती आरंभ कले तो लंग बैक कथा गोटे एक्सीडेटाली एक्चुअली तो मोर जन गोटे स्टूडेंट ही गोटे सजेस्ट कला जे सर आपण ये फील्ड रे तो बहुत स्ट्रंग अच्छा तेणु एटा गोटे आम कमी डिसेमिनेट करवा से सब फैसिलिट किसी नाला राइट इवेन कहीं भी जान नथिले केमिति गोटे बैंक पीओ आम पाइबा किसी गोटे सॉलिड वे पाऊ नथिले पाऊथिले पिला किसी किंतु सेमिति गोटे प्रिपरेशन नथिला जानी पर नथिले तो मु सेतेबेले कोन हला इनिशियली टिके बैंकिंग उपर टिके पढौथली इंग्लिश पाटा पढौथली इवन बैंकिंग उपरे मोर एते आइडिया भी नथिला इनिशियली तो सी जते सजेस्ट कला तो टिके मोर इंटरेस्ट आसिला कौन जिन देखा सो देन आई एक्सप्लोर्ड देख ली रिजनिंग जीके इंग्लिश सब देख ली ना दिस आर ऑल विद इन माय कंट्रोल तो ऑटोमेटिकली आम गोटे स्टार्ट करिया बोली इनिशियली स्टार्ट कलु से आचार्य बिहार ही स्टार्ट करी इन ए स्मॉल वे आई रिमेम्बर स्टार्टिंग विथ 4 स्टूडेंट्स तो मोर देन 1,000 अच्छा जोटा कि टिके कमी भाया मतलब लगुच एज कम्पेयर टू अदर इयर्स इन प्रीवियस इयर्स दुनिया इकोनॉमी स्लोडाउन बहुत हाँ बहुत स्ट्रेंथ थाए तो मे बी बहुत गुड कारण थाई पारे फॉर स्ट्रेंथ फ्लक्चुएशन कौन रोल रही था कोचिंग क्लासेस गुड़ा बैंकिंग प्रिपेयर करने एसएससी स्टूडेंट मान को हेल्प करते प्रिपेरेसन रोल इन द सेंस कहना बेले बेले कौन हुए पिला माने एग्जैक्ट वेटा पांतनी प्रिपरेशन ट्रायल एंड एरर मेथड से माने प्रिपरेशन करोंती जानी परोंती ने एग्जैक्टली कौन जिसटा से जानिला बेले को किछि टाइम बिती जाय किछि वर्ष बिती जाय सेटा को हमें शॉर्टन कर दे परु केमिति कहचोंती आपण से सब जिंस को हमें एग्जामिनेशन रो आइडिया दे दो पैटर्न आइडिया दे दो कोर्स गुड़ा कर केमिति वैरायटी क्वेश्चंस आसी परिवो केमिति हमें अप्रोच करिवा से क्वेश्चन गुड़ा को एक्चुअल गेम टा कोड रहला एग्जामिनेशन एडा बड़ परीक्षा गुड़ा होची किछि दे गुड़ा थिबो तारो छेडा होची टाइम एंड एक्युरेसी राइट सेटा को जदि जने कैच करनला मडी गला तो सेटा कैच करिया पाई बोली पिलांकर माइंड सेट गुड़ दरकार को प्रॉब्लम स्टूडेंट माने फेस करथंदी ड्यूरिंग सच एग्जामिनेशन आउ ताकु सॉर्ट आउट करिवार उपाय कोन कोन रहिछ गोटे बेसिक प्रॉब्लम होची गोटे सब्जेक्ट उपरे
ଗୋଟେ ପିଲାର କମାଣ୍ଡ ଆସିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ବୋଧେ ଟିଚିଂର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ବହୁ ଜାଗାରେ, ଯୋଉଟା କି ପିଲାଙ୍କର କନ୍ସେପ୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି ଯୋଉଟା କହନ୍ତି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲି ଏକଦମ ଯାହା ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ହଁ ଏ ଜିନିଷ ଏହା, ଏଇ କନ୍ସେପ୍ଟଟା ପିଲାଙ୍କର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆନ୍ସର କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟର ମାନେ ବି, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଫର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଇବିପିଏସ୍ ରହୁଛି, ତ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ମାନିପୁଲେଟ୍ କରିବା। ତ ଭେରାଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଡେପ୍ଥ କୋଚିଂ ଯଦି ଦିଆହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ପିଲା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବ। ତା ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବ, ପିଲା ନିଜେ କିଛି କରିପାରୁଥିବ। ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ କାଟେଗୋରିରେ ପରୀକ୍ଷାଟା ହୁଏ। ତେଣୁ ଯୋଉ କୋଚିଂ ହେଉଛି ସେଟା କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ କାଟେଗୋରିକି ନେଇ ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଓଭରଅଲ୍ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାର ଗୋଟେ ବେସିସ୍ଟା ସେମ୍, ରାଇଟ୍, ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା କି ଆମକୁ ହେଲା, ବେସିସ୍ଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମ୍। ଡ୍ୟୁରେସନ୍ କେତେ ରହେ କୋଚିଂ? 6 ମନ୍ଥସ୍ ତ ମିନିମମ୍ ଲାଗେ ପିଲାକୁ ଆୱେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା, ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ, ଚାପ୍ଟର୍ସ କ'ଣ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ 6 ମନ୍ଥସ୍ ତ ମିନିମମ୍ ଲାଗେ ଆମକୁ। ତାପରେ ରିଗରସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର ହୁଏ, ପୁରା ଲାଇନ୍ ଉପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ଟା ହୁଏ, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ତରତର ହେଇଯାନ୍ତି, ହଁ 2 ମାସ କରିଦେଲି ମୁଁ ଏଇନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି, ତ ଅନଲାଇନ୍ କରିବି, ଏଇଟା କରିବି, ସେଇଟା କରିବି, ତ ପିଲା ବି ଟିକେ ଭଟକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡେନ୍ସଟା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସକ୍ସେସ୍ ମନ୍ତ୍ର ଟୁ ମାନେ ଗେଟ୍ ଦ ସକ୍ସେସ୍? ହଁ, ସେଇଟା ହିଁ ତ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଟୁ ରିପିଟ୍, ବେସିକ୍ଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫଣ୍ଡାଟା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି, ପିଲା ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ସରିଗଲା ମିଷ୍ଟେକ୍, ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଆଚ୍ଛା, ଇଟ୍ସ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ତ ସେମାନେ କାହିଁକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବୋଲି କହିଲେ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କାହିଁକି କହିଲେନି ତାହେଲେ? ତ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିଫରେନ୍ସ, ସେଟା ଯଦି ପିଲା ବୁଝିଲାନି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହେଇକି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଫୋବିଆ ପଶିଗଲା ମନରେ, ଡର ପଶିଗଲା, ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିଗଲା, ବାସ୍ ସେ କନ୍ସେପ୍ଟଟାକୁ ଯାଇପାରିଲାନି। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଦେଉଛି, ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, କିମ୍ବା ହଉ ଏସ୍ଏସ୍ସି ପାଇଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ସେ ଚାହୁଁଛି କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ୱେ ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି? ସେମିତି କେସେସ୍ ତ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ରେୟାର ହେଇଛି। ସେଟା ହୁଏ କେମିତି, ମେ ବି ସ୍କୁଲ ବେଳୁ ବା କଲେଜ ବେଳୁ ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରିପେୟାର ନ କଲେ ବି ସେ ଢାଞ୍ଚାଟା ସେ ପାଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମନେକର ସିବିଏସ୍ଇ ଆଇସିଏସ୍ଇ ପିଲାଗୁଡ଼ା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଫାଗାଜିନ୍ ଫଲୋ କରିକି ଯେତେ ସବୁ ରିଜନିଂ ଫିଜନିଂ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି, କିଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବି କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବି ପଶିଗଲାଣି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକରେ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଟିକେ ଟଚ୍ରେ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆସୁଛି, ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରୁଛି ମୁଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ରେ ଯିବି, ତ ଅଭିୟସ୍ଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ସିଲେବସ୍ ଦେଖୁଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦରକାର, ତାକୁ ଯଦି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ 6 ମନ୍ଥସ୍ 8 ମନ୍ଥସ୍ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 1 ଇୟର୍ ଭିତରେ ସେ ଲଗେଇଦେବ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି ଗୋଟେ ହିସାବରେ। ଇଏ ତ ଗଲା ଟ୍ରେନିଂ କଥା, କୋଚିଂ କଥା। ଏଠି ବହୁତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, କୋଉଠିକି ଯିବେ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆସୁଛି, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ସହରରେ 200-300 ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଖୋଲିଗଲାଣି। କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିବା, ଆମେ କେମିତି ଚୁଜ୍ କରିବା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ? ଆଉ ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କ କେସ୍ରେ ଆପଣ ନିଜର ୟୁଏସ୍ପି କ'ଣ କହନ୍ତି? ସେଠି ଖୋଲିବାର ମତଲବ ହେଉଛି କ'ଣ, ମାନେ 2 ପ୍ରକାର ମତଲବ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୋକାଲ ଇଫେକ୍ଟ, ଜଣେ ଦେଖିଲା ଆମ ଲୋକାଲିଟିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଓପେନ୍ କରିବା, କିଛି ଆମେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ରହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ତ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଭଲ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଲ୍ୟୁରିଂ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରଫେସନ୍ଟା, ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସନ୍ ଆଲ୍ୟୁରିଂ ହେଇଯାଉଛି ତ ସେ ପ୍ରଫେସନ୍ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଯାଉଛି, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଖୋଲିବାର ଗୋଟେ କ୍ରେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଇ କ୍ରେଜ୍ରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେ ପ୍ରଫେସନାଲ ସେମାନେ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ନନ୍ ପ୍ରଫେସନାଲି ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଏଫିସିଏନ୍ସି କିଛି ଅଛି, ଖୋଲିଦେଲେ କିଛି ବାଟ ଗଲେ ତାପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କଲେ, ନାଇଁ ତ ନାଇଁ ମାଡ଼ିଗଲେ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଯଦି କିଛି ଫେଲୁଅର୍ ଆସିଲା, ସେ ଫେଲୁଅର୍ଟା ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ ପିଲାଙ୍କର ଫେଲୁଅର୍ ହେଇଗଲା, ପିଲାଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ସବୁ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ଗୋଟେ ଇନ୍ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଲୋକ ପାଖରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ତ ସେଟାକୁ ମୋତେ ଟିକେ ବାଧେ ବେଳେବେଳେ, ବିକଜ୍ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପଳେଇଲା ମାନେ 2 ବର୍ଷ ପଳେଇଲା ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଲସ୍ ହେଇଗଲା, କାରଣ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଭାଲ୍ୟୁଏବୁଲ୍। ଆର୍ସିବି ଏଇ କୋଚିଂ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ସେଥିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆର୍ସିବି କେମିତି ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି, ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କେମିତି ରଖିଛି ପାଠପଢ଼ାର? ହଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ୱେରେ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଭେରି ସିଷ୍ଟମେଟିକ ୱେରେ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କରୁଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେଟା ଜିନିଷ ଆମେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କରିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡୋର୍ ମେଥଡ଼ଟା ଆମର ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ହିଁ ରହିଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ ମାଇଣ୍ଡର କୋର୍କୁ ଯାଉଛୁ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ପିଲାଟା ବୁଝିନି, ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନ ବୁଝିଛି ତ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟର୍ କ୍ୱାଲିଟି ଟେଚର୍ ମାନେ ରହିବା କଥା, କ୍ୱାଲିଟି ମାଟେରିଆଲ ଦେବା କଥା।
कंपिटिशन बढ़ुची क्वालिटी टीचर मान को रिटेन करवा मटेरियल तैयारी करवा गोटे टेक्निकली भल साउंड सिस्टम दवा या कौन काम कर दैट इज ऑब्वियस मैनेजमेंट सिस्टम टिके मोटिवेशनल फैक्टर काम करुची जेतेबेले गोटे भल फैकल्टी कि भल टीचर मु पाइली तो तांकर बेयर रिक्वायरमेंट्स आमको आगे फुलफिल करिया पड़िबो इफ द फैकल्टी इज कम्फर्टेबल विथ अस केवल सैलरी है कि अमक है सेटा नुहे सब टीचर सेटा भी पसंद करते हाँ ठीक अच्छे इट्स ए गुड पैकेज ता छड़ा से माने किछिटा सेल्फ एस्टीम गोटे चाहती निजर गोटे पोजिशन भी चाहती यार्डस्टिक तो स्टूडेंट्स मान तो ही मुनिए डायरेक्ट केते से माने टच करि परले स्टूडेंट रो रिक्वायरमेंट को तांकर सटिस्फैक्शन को यदि स्टूडेंट्स माने कहले आमे ए जिंस क्लियरली बुझी परछु एवं बहुत भल लागुची फैकल्टी इज गुड फॉर मी बैंकिंग एम्प्लॉई जो माने अछन्ते तांकर तांको पई भी आपण ओटे ट्रेनिंग को लीड करोंते सेटा एक्चुअली कोन सेटा होची हमरो जेतेबेले एग्जामिनेशन आसे बेले बेले तांकर जो प्रमोशन टेस्ट गुडा आसे क्लरिकल रो से माने ग्रेड ए को जिबे तो इंटरनल डिपार्टमेंटल प्रमोशन हुए अच्छा सेतिरे भी बहुत गुडे पर्सन्स सिमिलर टू दिस आईपीएस पैटर्न अच्छा तो से माने एटा कोन करंती हायर करंती बाहर अच्छा तो रिजर्व बैंक रे बर्तन मु जाउची बहुत बैंक आगु डाकुथिले मु जाई पर नथिली बहुत आगु जाउथिली तापर बंद कर दी थी बट रिजर्व बैंक बहुत बाध्य कले जे नहीं यू हैव टू कम कारण स्टाफ मान को डिमांड रहले जे नहीं पटनायक सर आसीबे आ ए जिंस से करिबे तो पर ऑब्जर्व जे डिमांड तनो मु कहली अच्छा ठीक अछि गोटे रिजर्व बैंक आसु पिला खोजु जों मते तो हैव टू गो अच्छा तो मु गर्ली सेटी सेटा पीआरटी कहंती सेटा कहंती प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग अच्छा प्रोग्राम सब आसे अच्छा तो सेटा डिपार्टमेंटली पीआरटी वाला बसंती प्लस अन्य माने बस जांती बिकॉज़ दे लाइक माय क्लास आउट कथा जे जो विभिन्न कोचिंग इंस्टिट्यूट थिले आमे देखि छु 20 इयर्स बैक से माने कॉलेज कर देले कि इंजीनियरिंग कॉलेज कर देले कि मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट खोल देले किंतु आपण डाइवर्सिफाइड नै कि से कोचिंग रे निजको स्टिक कर रखछंती इवन आपण फ्रेंचाइजी मोड रे भी जाइना यस काहे कि टू बी फ्रैंक ए जो जिंसटा म आरंभ करली गोटे कमर्सियल मोटिव बा बिजनेस मोटिव रे मु स्टार्ट कर नथिली अच्छा पढेबाटा मोर गोटे जीवन बही पाठ एटा मोर गोटे लाइफ तेणु गोटे प्रफेसनाली गोटे पढ़ेबी ए जिनसटा अधिका जानिबी तापर सेटा को डिसेमिनेट करिवो अन्य मानन को समस्त जानिबे सेटा ए जो एटीट्यूड टा मोर थिला अछि बे बेबी सेते मु आउ ताको बिजनेस माइंड ताको नेनी जे मु एक्सपेंड करिबी किछि पैसा रोजगार करिबी किछि ये करिबी तो ए जो कमर्शियल मोटिव टा मोर नथिला के बेबी नाही बिजनेस रे सक्सेस मिलिछि किंतु आपे आपे जति कहिछि बस आई एम सटिस्फाइड विथ दैट सेते मु हैंकरिंग के बेहेनी सक्सेस रो मंत्र जो पिला माने परीक्षा देवा पई जाउ छथि बैंकिंग रे किबा एसएससी रे कोन सक्सेस रो मंत्र आपण देवा गु चाहथि तंको स्टिकिंग टू वन थिंग बर्तन पिला को डिफेक्ट होउ छि से माने बहुत डाइवर्स पे होउ छथि मेंटली गोटे छोट एग्जाम्पल भी दे पारे जे ऑपरेशन गोटे डॉक्टर पाखरे करले स्टिचिंग आउ गोटे पाखरे करले अच्छा मेडिसिन आउ जन पाखरे खाइले तो से पेशेंट मरिबो ही मरिबो अच्छा तो बर्तन पिला को अवस्था से आइ छि जो कि सक्सेस टा माड़ हो देखा जो मतलब क्लियर तो डॉक्टर सब वन बिगिनिंग रु एंड पर्यंत सेमिति से माने गोटे जिन स्टिक करिवे गोटे प्रिंसिपल गोटे मेथड गोटे लाइन रे से जिवे डेवलप करी करी जिवो तो सक्सेस तो डेफिनेटली आसीबो फोकस रहबा कथा डेफिनेटली आसीबो लास्ट क्वेश्चन आपन कर ड्रीम कोन एंबिशन कोन आरसीबी को आपन नेक्स्ट लेवल लेवल पई कोन करिया पई चाहथि नबा पई तो किछिटा मते मॉडर्नाइज करिकी किछिटा अपडेट करिया पडिबो अच्छा जति कि बेयर रिक्वायरमेंट्स मे अपडेट करनी छि लाइक मे बी ऑनलाइन टेस्ट हला कि हमर सब ऑनलाइन ऊपर जति सब काम गोडा सॉफ्टवेयर ऊपर क्वेश्चन पैटर्न्स एग्जैक्ट जो पैटर्न आछि ठीक डिफिकल्ट पैटर्न भी आछि तो से सब गोडा को हमें बर्तन पूरा रेडी अछु से लाइन रे भी पढ़ाउ छि पिला भी बहुत सैटिस्फाइड एथे किछि नहीं 1% भी डिसैटिस्फैक्शन हमर आसुनी पिला के भितरे नुवा ब्रांच खोलिबे ब्रांच सेमिति जदि गोटे कि एफिसियंट लोक भलो लोक जदि के हितिबो प्रोफेशनली से पाठ उपरे तार लाइकिंग थिबो से बेले हेले हुए तो मु तांको किछि शेयर देई पारे जे यू गो एंड प्रोसीड बोली नो अदरवाइज आई वोंट गिव थैंक्स आसिले हम किथके समय देले ओके थैंक यू वेरी मच